तो दोस्तों ओमेगल बंद हो चुका है परमानेंटली, लेकिन अगर आप उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव राजपूत और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेगल के अल्टरनेटिव के बारे में। तो दोस्तों इसका जो अल्टरनेटिव है उसका नाम है ओमी टीवी और आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा। और ये जो ऐप है ना, मतलब ओमेगल का सबसे परफेक्ट अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देना ओमेगल की तरह जैसे ओमेगल फ्री होता था। और सबसे जरूरी चीज़, ये सेफ भी है क्योंकि इस पर आपकी जो फेसबुक आईडी है ना उसके साथ ही लॉगिन करवाता है। मतलब आपके पास पहले फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पे लॉगिन कर सकते हो। तो इससे एक डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, तो कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ व्यक्ति इस ऐप पे बहुत ही कम मिलता है। तो ओमी टीवी का यूज कैसे करना देखने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें google.com पे आ जाना है। गूगल पे आके हमें सर्च करना है omi.tv। omi.tv ये वेबसाइट है और इसका कुछ इस तरीके से लोगो आप देख सकते हैं, ओमी टीवी वीडियो चैट करके। आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इनका जो डैशबोर्ड है या मतलब इनका होम पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर ना अगर आप पीसी पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपसे कैमरा और माइक की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपके अलाउ करना। और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उस पे होता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है और iOS पे भी इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो एक बार मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद ये कैमरा देखते हैं, तो कैमरे में मेरा जो है, मैं यहाँ पर अपना जो कैमरा है इसे ओपन कर देता हूँ। मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक बार इसे भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ से जो मेरा कैमरा है यहाँ से सोर्स में से चेंज कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा कैमरा है ये भी ऑन हो गया है। मतलब इस तरीके से आपके जो पीसी के अंदर वेबकैम है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट कर रखा था, ड्रोन ऐप करके है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद बस यहाँ पर आपका ये ओपन हो गया है। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को जब आप सबसे पहली बार ओपन करोगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, और लॉगिन आप फेसबुक के साथ बड़ी इजीली कर सकते हो। तो एक बार इसे हम चालू करके देखते हैं। तो ये दोस्तों एक बार इसे यूज़ करते हैं, तो यूज़ करना बड़ा सिंपल है, जैसे ओमेगल में होता था ना, तो काइंड ऑफ इसी तरीके से यहाँ से बस स्टार्ट हमने क्लिक कर देना। तो स्टार्ट के बाद लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बस चेंज करते रहना है। स्टार्ट से करेंगे तो लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टॉप करेंगे तो रुक जाएगा। और कुछ नहीं है, और अगर आपको चैट करना है तो आप यहाँ से भी चैट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कुछ लिखा तो आप नॉर्मली चैट कर सकते हैं। कंट्री में आप कंट्री अपनी चूज़ करिए, आपका जेंडर चूज़ करिए, और काफ़ी मतलब फ्रेंडली है अगर मैं इसे बोलूँ तो यूज़ करना, और आप बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो एंड्रॉइड के लिए बस आपकी जो ऐप है इसे ओमी टीवी इसे सर्च कर लीजिए अपने प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पर आप एंड्रॉइड के अंदर इसे यूज़ कर पाएंगे। और अगर एप्पल डिवाइसेस के लिए करना है तो आपको ऐप स्टोर पे जाना, और ऐप स्टोर पे भी ओमी टीवी की ऐप अवेलेबल है। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी सारी जो ऐप है ओमेगल के अल्टरनेटिव उन सबको चेक कर रहा हूँ, उनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगी है। और बाकी जो ऐप है उनमें कुछ ना कुछ कमी किसी ना किसी में है, मान लो कोई पीरियड है किसी के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इस ऐप के अंदर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़ी आराम से वो बहुत प्यार से ही चलती है, यूज़ करना भी ईजी और सेफ भी है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप जाइए और ओमी टीवी को यूज़ करिए।